करें से स्टार्ट। सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं का हम तहे दिल से 1983 पीटीआई पूरे हरियाणा की तरफ से आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने आज कैथल में पूरा कैथल का जितना भी मीडिया है आपने अपना समय निकाला हमारे लिए और हमारी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने में आपकी एक अहम भूमिका रहेगी। आप उसके लिए वाकई में बधाई के पात्र हो और आपने जो पीछे कवरेज की है उसका हमें तन मन धन से आपका धन्यवाद करते हैं। और मैं चाहूँगा कि आपके जितने भी सवाल हैं वो आप रखें और उसका सही सही हम आंसर देने की कोशिश करें। पहले आप अपना वो रखो था जी, क्या मामला है क्या है? हमारा सर सबसे पहले 2006 में वैकेंसी आउट हुई थी हरियाणा गवर्नमेंट हरियाणा स्टेप सिलेक्शन कमीशन की तरफ से 1983 पीटीआई की, तो उसमें लगभग हमारे 20,800 कैंडिडेटों ने अप्लाई किया था और गवर्नमेंट ने 2006 में वैकेंसी निकली तो 2007 में हमारा एक रिटर्न टेस्ट रखा गया 200 नंबर का। हमने वो सभी ने वो टेस्ट भी दिया मगर किसी कारणवश वो टेस्ट कैंसिल हो गया। उसके बाद हमारे को डायरेक्ट जितने भी कैंडिडेट थे सभी को इंटरव्यू पे बुलाया गया 2008 में और हमने जितने भी हम कैंडिडेट थे सभी ने ईमानदारी से अपना इंटरव्यू भी दिया। इंटरव्यू देने के बाद 2010 में हमारी लिस्ट लगी और जब हमारे को किसी भी कैंडिडेट को ये नहीं पता था जो एडवर्टाइजमेंट में लिखा गया था कि 25 नंबर का आपका जो वाइवा है आपका 25 नंबर का होएगा, सभी ने बड़ी ईमानदारी से यही सोच के इंटरव्यू दिया कि हमारा वाइवा है जो इंटरव्यू है वो हमारा 25 नंबर का है और सभी साथियों ने बड़ी ईमानदारी से इंटरव्यू भी दिया जी। मगर चयन प्रक्रिया के द्वारा जो चयन प्रक्रिया वहाँ अपनाई गई हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से उसमें उन्होंने 25 की बजाय वो इंटरव्यू 30 का कर दिया। किसी को नहीं पता था उस टाइम तक इस बात का कि भी हमारा जो इंटरव्यू है वो 30 का हो चुका है। जब हमारी वहाँ पर हाई कोर्ट में जो साथी हमारे रह गए थे बिना सिलेक्शन के उन्होंने भी जब तक कोई अपील हाई कोर्ट में दायर नहीं की थी हमारे खिलाफ जब तक हमारी लिस्ट आउट नहीं हुई थी। लिस्ट आउट होने के बाद जब उनको पता लगा कि हम लिस्ट में रह गए तो तब उन्होंने जाके इस मामले को उठाया और उसको हाई कोर्ट में लेके गए और उसमें उन्होंने तरह तरह के हमारे को एलिगेट किया गया कि भी इसमें फर्जी कैंडिडेट हैं। इसमें बहुत बड़ा मुद्दा ये भी आया कि भी इनका डिप्लोमा तो पहले हो चुका है 10वीं बाद में की है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। जितने भी उन्होंने एलिगेशन हमारे ऊपर लगाए थे माननीय हाईकोर्ट ने उसको अकेले अकेले करके उसको सॉर्ट आउट कर दिया था। हमारे द्वारा जो जज थे हमारे आर के मलिक उन्होंने भी बड़े अच्छा तरीके से, दो तीन वकील और थे हमारे, उनको अकेला अकेला जितनी पटिशन थी उनको अकेला करके सॉर्ट आउट कर दिया गया था और सुप्रीम माननीय हाईकोर्ट के द्वारा हमारी भर्ती को क्वेश्चन किया गया सिर्फ इस इशू को लेकर सबसे बड़ी कि आपकी जो चयन प्रक्रिया है उसमें बड़ी खामी पाई गई है, जो इंटरव्यू है वो 25 के बजाय उसमें 30 का कर दिया गया है। जबकि होता ऐसा है कि जब भी कोई एडवर्टाइजमेंट निकलती है उसमें जो भी चीज़ लिखी जाती है वही ड्यूरिंग द सिलेक्शन ड्यूरिंग द प्रोसेस उसको आप चेंज नहीं कर सकते और ये फैक्ट भी है। जब आपकी एडवर्टाइजमेंट निकलती है तो उसको बीच में आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आप चेंज करोगे तो आपने पूरे एडवर्टाइजमेंट भी उसकी निकालनी पड़ेगी, पब्लिक में नोटिस भी देना पड़ेगा, आपको पूरे मेंबर से डिस्कस भी करना पड़ेगा। खैर हाई कोर्ट ने हमारी भर्ती को रद्द कर दिया गया और हम 2013 में इसको माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपने को स्टे के लिए चले गए और हमारे को स्टे मिला भी और 7 साल वहाँ पर केस चला। सरकार जब हाई कोर्ट ने जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आखिर में जितने भी हमारे एलिगेशन लगे हुए थे उसको सॉर्ट आउट कर दिया माननीय हाई कोर्ट की तरह, मगर वहाँ भी एक सबसे बड़ा जब इशू आया कोर्ट ने हमारे को बचाने की बहुत कोशिश की कि 2000 परिवार हैं और 10 साल से ये नौकरी कर रहे हैं तो ये कहाँ पर जाएंगे। तो उस समय माननीय हाई कोर्ट ने माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक रिकॉर्ड मांगा हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट से जो अभी हमारे पास एक कॉपी पड़ी है और इस कॉपी में स्पष्ट लिखा गया है कि आपके पास हरियाणा गवर्नमेंट को एक सप्ताह का टाइम दिया गया कि आपके पास ये जनवरी में हुआ है हमारे जो अभी 2020 जनवरी में कि आपके पास जितनी वैकेंसियाँ पीटीआई खाली हैं जो 68 याचिकाकर्ता हमारे खिलाफ थे जो सुप्रीम कोर्ट में भी हमारे साथ गए उन्होंने हमारे खिलाफ वहाँ भी केस लड़ा है कि भी ताकि उनको भी एडजस्ट किया जाए। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, ये सुप्रीम कोर्ट की कॉपी है, हमारी कॉपी नहीं है, वे हमारे द्वारा बनाई गई कॉपी है। तो कोर्ट ने पूछा कि भी आपके पास अगर वैकेंसी है तो हम इनको एडजस्ट कर देते हैं जो आपके 68 कैंडिडेट पेंडिंग है जो आज जो में नहीं है, मगर स्पष्ट गवर्नमेंट ने वहाँ भी हमारी कोई हेल्प नहीं की और वहाँ पर एक एफिडेविट दायर कर दिया कि हमारे पास कोई वैकेंसी नहीं है पीटीआई की।
हमने पीटीआई को टीजीटी कैडर में कन्वर्ट कर दिया गया है, जबकि पीटीआई ड्राइंग टीचर और म्यूजिक टीचर ये सब हमारा सीएनडबी कैडर में आता है। भी सीएनडबी कैडर को हमने ख़त्म करके उसको टीजीटी में कन्वर्ट कर दिया गया है। और हमारे पूरे साथी जितने पीटीआई 2010 हैं, ड्राइंग टीचर भी हैं, म्यूजिक टीचर भी है, पूरे हरियाणा में हज़ारों की संख्या में कैंडिडेट हैं। आप उनसे भी पूछ सकते हो कि अगर आपने टीजीटी में उसको कन्वर्ट कर दिया, क्या आपने हरियाणा गवर्नमेंट ने हमारे को टीजीटी का लाभ दिया है, हमारे को अलग एसीपी दिया है, जो टीजीटी की जो बेनिफिट होते हैं वो हमारे को नहीं मिला। नाम चेंज करने से कुछ नहीं होता, आपने बेनिफिट नहीं दिया, सो दैट आप ये नहीं कह सकते कि हमने उसको कैडर को मतलब चेंज ही कर दिया, तो वहाँ भी हमारी कोई हेल्प नहीं की। हमारे बीच से कुछ साथी राजेश जी बताएं आप प्लीज, हाँ, जो रिटायर हुए हैं या एक्सपायर हो गए तो उसमें क्या हुआ। उसके बाद भी हम जब हमारी भर्ती क्वेश हुई 8 अप्रैल को डिसीजन आया, तब से हमारे 2000 साथी इस कोरोना महामारी में दर दर की ठोकरें खाते हुए, बीमारी से कोई खौफ नहीं था इनको। हर एमएलए, हर मिनिस्टर और इवन मुख्यमंत्री तक भी हमने अपनी जो व्यथा हमारी पीड़ा है उनके आगे रखी है, और दो दो तीन तीन बार जाके हमने विज्ञापन भी दिया है, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी दिया है। पूरा हमारा जो साथी है पूरे के पूरे उठ के वो शिक्षा मंत्री के निवास पे भी गए, उन्होंने भी बड़ा अच्छा आश्वासन दिया। इवन इतना आश्वासन दिया कि हमारी एक लेडीज़ थी, हमारी मैडम थी, उनके सर पे हाथ रख के ये बोलना है कि आप मेरी बहन हो और आपके रोज़गार को कुछ नहीं होने देंगे, एक विश्वास रखो। क्या ऐसे बहन और भाई का जो रिश्ता है ऐसे रखा जाता है। और उसी दिन जब हम शाम को आए तो हमारे खिलाफ एडवर्टाइजमेंट उन्होंने पब्लिश कर दी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने। और दूसरी बात, हमारे शिक्षा मंत्री ये कहते हैं मीडिया में कि जब इनको रिलीव किया गया तो हमारे पास तो कोई फाइल ही नहीं आई। उनसे पूछा गया कि भी एडवर्टाइजमेंट की प्रक्रिया तो एक साथ तो निकलती नहीं है, उसमें टाइम लगता है, शिक्षा मंत्री से अप्रूवल लेनी पड़ती है। वहाँ भी हमारे माननीय शिक्षा मंत्री ने ये बात रखी कि हमारे मेरे को तो भाई नॉलेज नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी स्टेट में एजुकेशन डिपार्टमेंट में कोई वैकेंसी निकले और बिना अप्रूवल के वो पब्लिश हो जाए, ऐसा दैट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। मगर हमारे साथ सरासर हमने विश्वास रखा गवर्नमेंट पे, हम 1.5 महीना सड़कों पे ऐसे ही फिरते रहे। जब इन्होंने हमारे को 1 जून को अप्रैल कर मतलब फर्स्ट इसको इन्होंने हमारे को जून को रिलीव कर दिया गया, और बीच बीच में हमारे को कहते रहे ये कि गवर्नमेंट आपके साथ है, गवर्नमेंट आपके साथ है। हमने भी विश्वास रखा अपनी गवर्नमेंट पे, हम उस अपने रिलीविंग के अगेंस्ट वहाँ पर माननीय हाई कोर्ट में गए। तो जब हमारी वहाँ पर हियरिंग हुई तो जज साहब ने एक बात पूछा है, और ये स्पष्ट जो हाई सुप्रीम कोर्ट का है और जो उनके द्वारा सरकार के द्वारा भेजे गए डबल एजी को, वहाँ पर जज साहब ने पूछा कि ये पढ़ के दिखाओ पैरा 75 में क्या कहीं आप ऐसा लिखा है कि इनको आप रिलीव कर दो। तो जज साहब ने कोर्ट में उनसे पढ़वाया कि भी ये पढ़ के सुनाओ क्या कहीं पर लिखा है। तो उन्होंने स्पष्ट उस टाइम अपना क्या दिया, ये 5 तारीख की मैं बात आपको बता रहा हूँ, ये 5 तारीख का जजमेंट है हमारे माननीय हाई कोर्ट के द्वारा। और इन्होंने स्पष्ट क्या एफिडेविट दिया डबल एजी के द्वारा, वहाँ पर क्या बोला गया है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। लर्निंग द स्टेट काउंसलिंग हैज़ फैमिली एक्नोलेज्ड दैट ऑल द पटिशनर आर स्टिल वर्किंग अगेंस्ट द रिस्पेक्टिव पोस्ट। यानी 5 तारीख को भी इन्होंने वहाँ पर माननीय हाई कोर्ट के सामने ये बोल दिया कि हमने इनको हटाया नहीं है, ये ऑलरेडी अपनी अगेंस्ट पोस्ट के वर्किंग पे हैं। और उसके बाद जो जज साहब ने फिर डिसीजन दिया हमारा नेक्स्ट डेट के लिए, तो उन्होंने इसको बेकायदा ये लिखा गया है कि भी स्टे आल्सो, यानी को स्टे, यानी इस स्थिति में है इसको यहीं पर रोक के रखें, आप इनको रिलीव नहीं करना है आपने। तो 9 तारीख को हमारी जब हियरिंग हुई फाइनल, हमारे को पूरी उम्मीद थी कि हमारे को स्टे मिलेगा। दोबारा फिर इन्होंने एजी को ही चेंज कर दिया वहाँ पर हाई कोर्ट में हमारे खिलाफ, और उन्होंने क्या तथ्य वहाँ पर रखा कि हमारे से मिस कम्युनिकेशन गैप हो गया, हमने तो इनको 1 तारीख को ही रिलीव कर दिया गया था। क्या ऐसा हो सकता है कि इतने बड़े न्यायालय में जहाँ पूरे हरियाणा और पंजाब को न्याय मिलता है, और वहाँ पर एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन ये जाके कह दे गवर्नमेंट के द्वारा भेजा हुआ कि ये तो मिसकम्युनिकेशन गैप है और हमने तो इनको 1 तारीख को रिलीव कर दिया गया था। तो उसकी एवज में माननीय जज साहब ने इनको तीन बार वहाँ पर डांट पिलाई है
कि आप कैसे कह सकते हो, आप सीरियस नहीं ले रहे हो। तो इन्होंने वहाँ भी, अगर आप उसकी आर्ग्यूमेंट्स की वीडियो कॉल वीडियो अगर रिकॉर्डिंग आप देखोगे तो उसमें गवर्नमेंट के द्वारा भेजे हुए है एजी ने भी 3 बार सॉरी फील किया है कि सॉरी माय लॉर्ड सॉरी आई एम सो सॉरी। तो अगर इतनी ज़बरदस्त आर्ग्यूमेंट्स हमारे खिलाफ की गई, क्या उस एजी को ऐसा लग रहा था कि भी हम इनको बचाने के बजाय अगर ये बचते हैं तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी? उन्होंने ऐसे बहस की हमारे हमारे एडवोकेट साहब के साथ, तो हमारे को वहाँ भी राहत नहीं मिल पाई। और इन्होंने क्या बोला वहाँ पर भी कि हमारा तो वर्कलोड नहीं बनता है, इनका लॉकडाउन के दौरान वर्कलोड नहीं बनता है। इस पे जज साहब ने पढ़ते ही ये बात की भी लॉकडाउन चला हुआ है, हमारा हाई कोर्ट भी आधे एम्प्लॉय नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब हम इनको नौकरी से हटा दें? तो उसका भी उसके पास कोई जवाब नहीं था, वहाँ भी उन्होंने सॉरी फील करना पड़ा। मैं माननीय कोर्ट पे उंगली नहीं उठाता, मगर हर चीज़ को बारीकी से देखते हुए माननीय जज साहब थे हमारे महावीर संधू जी, उन्होंने अंत में सिर्फ यही बात की कि मैं आई एम टोटली हेल्पलेस, वी ऑल पटिशनर एवरीथिंग इज ओके, भी सब ठीक है, मैं समझता हूँ, मगर मैं हेल्पलेस हूँ क्योंकि ये दीज ऑर्डर आर रिस्पेक्टिव सुप्रीम कोर्ट, ये जो आपका जो फैसला है ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है और आपको वहीं से ही आपको राहत मिलेगी। तो उन्होंने हमारे वकील साहब को बोला कि आप अपना ये जो है आपकी अर्जी यहाँ से विड्रॉ करके और अपना माननीय सुप्रीम कोर्ट में चले जाइए। तो अब ये देखो वर्कलोड की इन्होंने बात रखी वहाँ पर कि वर्कलोड नहीं है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, जब सुबह स्कूल की घंटी बजती है तो हजारों बच्चों की आँखें हैं वो अपने पीटीआई डीपी को ढूंढती है कि हमारे पीटीआई डीपी होता है कहाँ पर है। एक पीटी डीपी एक स्कूल का रोल मॉडल होता है, सुबह असेंबली से स्टार्ट होता है और वो पूरे दिन चेयर पे नहीं बैठता, पूरा दिन उनका ग्राउंड का काम रहता है। और अपने इसके अलावा बहुत से ऐसे काम होते हैं, मिड डे मील से रिलेटेड हो गया, या बीएलओ जो आपके सेंसिस में ड्यूटी लगती है, या गवर्नमेंट के द्वारा जितनी भी योजनाएं दी जाती हैं कि कभी स्वास्थ्य अभियान पे है, कभी पौधारोपण पे है, तो वो मतलब उसमें भी एक पीटी और डीपी का एक अहम रोल होता है। और मैं आपको सबसे बड़ी बात बता देना चाहता हूँ मीडियम के माध्यम से, सरकार के पास भी ये मैं बात पहुँचाना चाहता हूँ कि आप हमारा 2010 से पहले का जो खेलों का स्तर है हरियाणा का वो उठा के देखें और बाद का उठा के देखें। इन खिलाड़ियों ने, हम भी खिलाड़ी रहे हैं, सभी साथी मिट्टी में पले हैं, मिट्टी में बड़े हुए हैं, आज हमने नेशनल और इंटरनेशनल के खिलाड़ी हरियाणा को दिए हैं जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है, हरियाणा का तो किया है। तो अब ये बताओ जब टेस्ट की बात आई कि भी आपने टेस्ट देना है, हमारे 40 साथी एक्सपायर हो चुके हैं 20 हमारी जो टोटल 1983 में से, एक्सी क्रेशिया के तहत उनके बच्चों को वो पेंसिल मिलती है, वो अपना गुजारा करते हैं जो आज इस दुनिया में नहीं है। हम उनके लिए भी लड़ाई ज़बरदस्त तरीके से लड़ रहे हैं, हम बाद में हैं, पहले वो हमारे लिए वो परिवार हैं, हम उनके लिए लड़ रहे हैं, अपने लिए तो लड़ रहे हैं पहले उनके लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि अगर ये भी उनसे चला गया तो उनका क्या होएगा। और हमारी बहुत सी ऐसी मैडमें हमारे साथ हैं, बहन जी हमारे साथ हैं जो लगभग 35 के आसपास विडो हो चुकी हैं, वो इस अपने रोजगार के बल पर अपने बच्चों का निर्वाह कर रही है। हमारे साथियों ने अध्यापक के पास कोई अलग से इनकम नहीं होती कि अलग से कोई रोजगार होता है, बैंक से लोन लेके 30-40 लाख रुपए का लोन लेके उन्होंने घर बनाया हुआ है, तो वो आज कहाँ पर से ईएमआई देंगे? आज एक महीना हो गया लगभग, हमारे को एक महीना हो जाएगा रिलीव हुए, हमें आगे की चिंता है कि बैंक वाले हमारे घर आएंगे, वो हमें टोकेंगे, हम सामाजिक तौर पे भी मानसिक तौर पे भी बिल्कुल टूट चुके हैं। और मैं अपने साथियों की तरफ से निवेदन करता हूँ सरकार से कि हमारे लिए कोई बीच का रास्ता निकाल ले, ऐसे आपके पास बहुत सी वैधानिक शक्ति है और सुप्रीम कोर्ट के तो ऐसे बहुत से डिसीजन पहले भी आए हुए हैं जो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुए। समान काम समान वेतन 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने किया था, क्या गवर्नमेंट ने दिया आज तक? SYL का कितने साल से पड़ा है पेंडिंग, क्या वो पानी लेके आए हैं हरियाणा गवर्नमेंट? अरावली की पहाड़ियों में एक साल से सुप्रीम कोर्ट ने स्टार रखा है कि वहाँ पर कोई निर्माण कार्य नहीं होएगा, मगर इन्होंने पंजाब भूमि संरक्षण बिल 1900 उसको विधानसभा में उसका बिल पास किया, जबकि पूरा विपक्ष और सामाजिक संस्थाएं उसके खिलाफ थी कि अरावली की पहाड़ियों में
कोई निर्माण नहीं होना चाहिए, मगर इन्होंने वहाँ पर रियल एस्टेट के लिए खोलने के लिए वो भी बिल पारित कर दिया। या रियल एस्टेट जरूरी है या यहाँ पर अपने हरियाणा के जब बच्चे बेरोजगार हैं उनका भविष्य अंधकार में चला गया है, क्या ये फैसला भी विधानसभा में पारित नहीं हो सकता? हो सकता है अगर गवर्नमेंट की मंशा सही है, और हम उम्मीद भी करते हैं कि हमारी गवर्नमेंट हमारे बारे में ज़रूर सोचेगी, हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में ज़रूर सोचेगी। तो ये हमारी जो पूरी स्टोरी हमने आपके सामने रखी, अपनी पीड़ा आपके सामने रखी। तो अब मैं निवेदन करता हूँ अगर आपका कोई भी सवाल है हमारे भर्ती से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो। धन्यवाद। तो अब बीच का रास्ता सरकार और आपके बीच में क्या हो सकता है कि जिससे वो सरकार भी आपको ले सके वापस, क्या आप ऐसा सुझाव दोगे सरकार को कि भी टेस्ट है या कुछ ऐसा है, क्या कर सकते हैं? सर देखो, टेस्ट प्रक्रिया में तो हम जाने के अभी काबिल नहीं हैं। हमारे बहुत से साथी 52 साल की उम्र हो चुके हैं, घर की जिम्मेवारी है, किसी ने अपनी बेटी की शादी करनी है, किसी ने बेटे की शादी करनी है, किसी ने इंजीनियरिंग में एडमिशन करवाना है, और आज हम मानसिक तौर से इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि हम वो पेपर में बैठने के लायक नहीं है और ना ही हम तैयारी कर सकते। और रही बात वो जो 40 भाई हैं हमारे जो आज इस दुनिया में, वो कहाँ से आएंगे टेस्ट देने के लिए? मैं सर एक राजेश जी आपको बीच में रोकता हूँ, मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। आप मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले, क्योंकि आप ही हमारे आधार हो, चौथे स्तंभ आप बनकर आए हो, आपने हमारी आवाज़ को उठाया है, आप सबको सल्यूट है, सलाम है। हम नौकरी में रहे ना रहे, हम आप सबके कैथल की मीडिया के और बाकी मीडिया के हम ताउम्र एहसानमंद रहेंगे साथियों। और इस बात का मैं जवाब देना चाहूँगा कि हम टेस्ट देंगे नहीं देंगे, हम टेस्ट क्यों दें? या तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला हो कि जो टीचर लगे हुए हैं उनमें खामियां हैं, हमारे 3-3 बार डॉक्यूमेंट चेक हुए हैं, सारी जो बोला जा रहा था कि बाद में 10वीं करी है वो मैं आपको क्लियर कर दूं, जो साथी पहले डिप्लोमा कर लिया उनके 10वीं में नंबर कम थे, उन्होंने दोबारा से वो नंबर बढ़ाने के लिए दिए हैं, टेस्ट दिए, पेपर दिए, जिसको मेरे ख्याल से इम्प्रूवमेंट बोलते हैं, ठीक है, वो बाद में उसके बाद मार्कशीट जो आती है आपको सबको पता है, वो जो लेटेस्ट डेट होगी उसमें आती है। उस तरह की चीजों का इशू बनाया गया था हमारे 3-3 बार, वो तो आज आप भी कर सकते हो, इम्प्रूवमेंट तो आप लोग हम कर सकते हैं, जी बिल्कुल, क्या प्रॉब्लम? 3-3 बार हमने वो वेरिफिकेशन हमारी हुई है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी और हाई कोर्ट ने भी इस बात को माना है कि इसमें जो पीटीआई साथी हैं ना इन्होंने इंटरव्यू के नंबर बढ़ाए, ना इन्होंने टेस्ट कोई कैंसिल करवाया है, ना ही इनके डॉक्यूमेंट्स में कमी है, इनके अंदर किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं है, पहली बात। या तो कितने साल बाद आप जो साथी हैं उन्होंने इंप्रूवमेंट का टेस्ट दिया, पेपर दिए? सर वो अलग अलग वैरी करता है, आप 10 साल भी बाद भी दे सकते हो, 2 साल भी दे सकते हो। बोर्ड के हाँ, ऐसे रूल्स है कि इंप्रूवमेंट जो है वो सब्जेक्ट में या किसमें पेपर दे के जी वो उस पीरियड है उसका, क्योंकि उसके बाद ये नहीं है कि आप 10 साल बाद को मैं मेंटली को इम्प्रूव करना चाहता हूँ जी जी वो नहीं कर सकता। एक सब्जेक्ट पेपर जो मान लो आपके पास नहीं है, हाँ, मान लो आप बीएड करना है आपने, हाँ, आपके पास हिस्ट्री नहीं थी जी, 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 आपके पास संस्कृत नहीं है जी, जी, वो एक पेपर जो है वो बोर्ड कहता है कि आप किसी भी समय एक दे सकते हैं। सर वो मेरे ख्याल से 3 ईयर का कंफर्म है, वो 3 ईयर का है। अगर आप एक्स्ट्रा फीस चार्ज करते हो किसी भी बोर्ड को, किसी भी यूनिवर्सिटी को आप एक्स्ट्रा फीस चार्ज करते हो तो आप 5 साल के बाद भी ले सकते हो इम्प्रूवमेंट। और सर ये तो कोई बड़ी मुद्दा ये है कि हम टेस्ट क्यों दें? या तो हमारे अंदर सरकार या कोर्ट कमी निकाले कि हमारी गलती है, हम काबिलियत के साथ आए हैं, इस दौरान हमारे जो साथी एक्सपायर हो गए वो बताइए आप कहाँ से टेस्ट देने आएंगे? हमारे बहुत सारे साथियों को मानसिक परेशानी इस दौरान इतनी गंभीर हो गई है, बहुत सारे साथी एक्सीडेंट के दौरान उनके सर पे चोटें लगी हुई हैं, विधवा हो गए हैं, ऐसे ऐसे साथी हमारे बीच हैं जो अदर्स डिपार्टमेंट को छोड़कर इसमें आए थे एक सिक्योर भविष्य के लिए, बच्चों का भविष्य उज्ज्वल करने के लिए इधर आए थे, अब वो ना वहाँ के हैं ना यहाँ के हैं। तो या तो हमारी गलती बताएं, हम टेस्ट क्यों देंगे, आप इस बात को मैं पहुंचाना चाहता हूं आपके माध्यम से। आपने सर बीच का रास्ता पूछा है कि सरकार बीच का रास्ता क्या है जी? जो गेस्ट टीचर है हमारे वो भी तो एक बिल पारित करके उनकी भी तो जॉब सिक्योरिटी की है। ऐसे बहुत से पहले भी फैसले आए हुए हैं जहां पर गवर्नमेंट ने पहल करते हुए अपने कर्मचारियों को बचाया है। हमारे साथ रिव्यू में जाए, रही बात हमारे को, चलो पिछली बातों को हम नहीं करते कि सुप्रीम कोर्ट में हमारे साथ क्या हुआ, हाई कोर्ट में क्या हुआ, आगे भी बहुत चांस हैं। आप हमारे गवर्नमेंट हमारे साथ रिव्यू में जाए, हमारी पैरवाई करे तो क्या नहीं हो सकता। अपना विधानसभा में बिल पारित करवाए, कोई भी 90 के 90 विधायक एक भी आपके हमारे खिलाफ नहीं कहेगा कि भी इनको जो पे मत रखो, क्योंकि हम भी उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंसी से, हम भी हरियाणा से ही है, हम कोई पाकिस्तान से या कोई हम राजस्थान से या दूसरे स्टेट से नहीं है, हम भी इन्हीं के बच्चे हैं, इनको ही सोचना है हमारे बारे में। बिल्कुल राजेश जी, मैं आप चौथे स्तंभ के माध्यम से एक और गुहार लगाना चाहूँगा, विनती करना चाहूँगा, हम किसी को हटाने के पक्ष में नहीं हैं,
जिन्होंने केस किया, हम चाहते हैं कि भगवान करे उनकी भी परमात्मा सुने, वो भी जल्दी रोजगार उनको परमात्मा दे। लेकिन आंकड़े बोलते हैं साहब, आपको भी पता है जिस केस में चौटाला साहब अंदर हैं, जो वो सजा काट रहे हैं, उन साथियों की भी भर्ती क्रैश की गई थी, उनको भी नहीं हटाया गया है, वो भी उसका भी इन्होंने बिल पारित करके उसका भी वैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए उनको रखा गया है, चाहे वो गेस्ट टीचर हैं उनको भी एडजस्ट किया गया है। और जैसा बताया गया है, राजेश जी ने बताया कि एस वाई एल के मुद्दे हैं, बाकी सब चीज़ें हैं, जब वो उन चीज़ों का समाधान हो सकता है तो हम भी तो इतना ही चाहते हैं। या तो हमारी गलती हो, हमारी गलती नहीं है साहब, कमीशन की गलती रही होगी कि भर्ती प्रक्रिया को चूक रही हो, तो हम तो ये चाहते हैं कि हमारे रोजगार को। इज नॉट आवर फॉल्ट सर जी, फॉल्ट ओनली सिलेक्शन बोर्ड एंड द प्रोसेस एट दैट टाइम, बट व्हाई देयर पनिशमेंट, उनकी सजा हमें क्यों जी? सिर्फ एक सवाल हम अपनी जनता से भी पूछते हैं, अपनी सरकार से भी पूछते हैं कि हमारी गलती क्या है। और एक और आपके मीडिया से मैं कह देना चाहता हूँ, दो चार डिबेट हमारी हुई है, हमारे साथी मानसिक तौर पर इतने कमज़ोर हो चुके हैं, वो डिबेट इतना अच्छे से नहीं कर पाते, और इनके जो प्रवक्ता बैठते हैं, मैं उनको भी खुले मंच से आपके माध्यम से चुनौती देना चाहता हूँ कि आप आइए खुले मंच पे डिबेट के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप राजनीति करिए, राजनीतिक मुद्दे पे बात करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर यहाँ का जो हमारा जो मुद्दा है वो 2000 परिवारों के भविष्य का मुद्दा है। आप इसको ज़्यादा अपने को हाईलाइट करने के लिए या अपनी पार्टी में अच्छी जगह बनाने के लिए इस हमारे को हथियार मत बनाइए आप। आई नो हु आर यू, हम जानते हैं कि आप कौन हैं, और आपने एक शिक्षक की भूमिका पर सवाल उठाए हैं कि ये फर्जी है, ये आपको तो सर ये भी नहीं पता है कि मीडिया के सामने बैठ के आप ये कह रहे हो कि इंटरव्यू 20 का है तो 28 कैसे लग गए। अरे साहब, कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि इंटरव्यू ड्यूरिंग द प्रोसेस 30 नंबर का हुआ है, एडवर्टाइजमेंट में 25 का था, पहले केस को रीड करके बैठिएगा। हमारे साथी हैं, चलो हमारे सीनियर हैं, भावनाओं में बह के डिबेट में चले जाते हैं, मैं खुले मन से आपको चुनौती देना चाहता हूं कि आइए डिबेट में, और ये तो हमारा केस छोड़िए, किसी भी आप हरियाणा से रिलेटेड आए, आप चाहे GDP से रिलेटेड हो, आप पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, किसी भी रिलेटेड से आए आप बहस करें। आप राजनीति में चमके, हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप MLA मिनिस्टर बने, हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर यहाँ पर 2000 परिवारों का भविष्य का सवाल है, कृपया करके आप इसको ज़्यादा तुल मत दें, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है ये। और ये जो मेरे भाई साहब बात कह रहे हैं, ये इतनी बड़ी बात कोई हवा में नहीं कह रहे, हमारे बीच से ही हमारे PTI साथी हैं जो PhD हैं, MPhil हैं, 3-3 MAO किए बैठे हैं, NIS है, इंटरनेशनल कोच है, इंटरनेशनल खिलाड़ी है। अरे जनाब, आपको तो ये भी नहीं पता कि DPED, MPED, MPhil होता क्या है, आपको तो ये भी नहीं पता कि एक NIS करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। आप सवाल दीजिए इन बातों के, ऐसे बहुत से सवाल हैं हमारे पास। राजेश सर, माफी चाहूंगी बोलने के लिए जी। सर 2010 में जितने भी कैंडिडेट 1983 PTI भर्ती हुए हैं, उनमें सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में किसी भी कर्मचारी का कोई दोष नहीं है, किसी भी कर्मचारी के डॉक्यूमेंट में कोई भी खामियां नहीं पाई गई, सारा दोष सुप्रीम कोर्ट ने HSSC भर्ती का निकाला है, यानी कि जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमेटी होती है उसका सारा दोष है, ना कि किसी कर्मचारी का। तो इसमें गवर्नमेंट ने हमारी तरफ ध्यान देना चाहिए कि 2000 परिवार जो सड़कों पे आज हैं वो किसकी कमी से हैं, किसकी सजा वो भुगत रहे हैं, करे कोई भरे कोई, बलि का बकरा हमें क्यों बनाया जा रहा है। जी, जी, तो हम सरकार से ये गुहार करते हैं कि हम 2000 PTI पर रोजगार बचाया जाए, हमारी नौकरी सुरक्षित रखी जाए, हमें दोबारा रिजवाइन करवाया जाए। हमारे बच्चे जब 8 अप्रैल से ये फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा, हमारे बच्चे, हम ही नहीं, हमारे साथ बहुत ही परिवार जुड़े हुए हैं, रिश्तेदार जुड़े हुए हैं जो हमारे सड़कों पर आ गए हैं, उनको हर टाइम दिन रात खाना तक भी नसीब नहीं होता, ये टेंशन खाए जा रही है कि आगे भविष्य में क्या होगा। एक बच्चा आगे 4 पीढ़ियां बनाता है, 4 पीढ़ियां उन्होंने सरकार ने खत्म कर दिया बिल्कुल। तो सरकार से मैं बिल्कुल गुहार लगाऊंगी कि हमारे रोजगार को बचाए, हमारे बच्चों की तरफ देखे, और निवेदन करते हैं हम कर्मचारियों से भी, जो हमारी IAS लोग भी बैठे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं, और जो जवाहर यादव जी बार बार डिबेट में बात करते हैं ना सर, अगर आप अच्छा सा पक्ष रखते ना, हमारा रोजगार का मामला है, राजनीति में आप अलग चीज़ है,
ये रोजगार का मामला है, आपने तो आगे आना चाहिए था हमारा रोजगार बचाने के लिए। अगर आप अच्छे होते ना मिस्टर, आपकी वजह से वी एंड आवर चिल्ड्रन हैव कम ऑन द रोड। आज हम और हमारे बच्चे आप जैसे लोगों की वजह से आज सड़कों पे धक्के खा रहे हैं। आप जहाँ जहाँ भी गए हैं, शिक्षा मंत्री के पास, दुष्यंत चौटाला के पास, सुभाष बराला के पास, जहाँ भी जितने MLO के पास भी गए हैं, सबने हमें यही आश्वासन दिया है कि हम आपके साथ हैं। पर हमें कहीं भी कोई बिल्कुल ऐसा नहीं दिखा, कोई रास्ता नहीं दिखा कि भी सरकार हमारे साथ है। नहीं, सरकार ने बिल्कुल भी कोर्ट में कोई पैरवी नहीं की। अगर वो पैरवी करती तो आज हमारे साथ होती, हमें इस चीज का यहाँ से पता चल जाता। आज हमारे पूरे स्टेट में धरना प्रदर्शन चले हुए हैं। एक अनुशासन रखने वाला टीचर ही आज अनुशासन को तोड़ने के लिए मजबूर हो रहा है, क्योंकि उसको सबसे पहले अपने बच्चे चाहिए, अपने रोजगार चाहिए, और वही हमारे पास नहीं है। कल की घटना क्या थी? कल की घटना भी तो हम अपने माननीय शिक्षा मंत्री के सामने अपनी बात रख रहे थे, मगर वो हमारी वार्ता को बीच में छोड़ के ही चले गए। कुछ हमारी जो साथ में मैडमें थी, उन्होंने बात रखने की कोशिश की, सर आप गाड़ी में बैठे, हमारी मैडम ने उनको रोकने की कोशिश की, मगर वहाँ पर पूरी पुलिस प्रशासन के द्वारा हमारी मैडमों के साथ, हमारी बहनजियों के साथ धक्का मुक्की की गई, लाठी चार्ज की गई, और गाड़ी को इतने स्पीड में दौड़ा के ले गए, अगर कोई हमारा साथी इसमें से नीचे आ जाता और वो मर जाता तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन था? वो तो हमारा साथी, हम फिजिकल ट्रेनर हैं, एक जंप करके दूसरी साइड में निकल गए, अदरवाइज गाड़ी ऊपर से आ जाती, 12 रिस्पॉन्सिबल कौन था? जी राजेश जी, 12 साथी हमारे घायल हुए कल, जिसमें से महिलाएं थी, फ्रैक्चर हुए हैं, एक लेडीज को फ्रैक्चर हुआ है, वो मरते मरते बचे हैं, लेकिन उनका हौसला है, उनके अंदर एक बुलंद आवाज है। साथियों, आपके माध्यम से मैं कान खोल देना चाहता हूं, जो भी हमारे साथ ये धोखाधड़ी, ये राजनीति कर रहे हैं, मैं बहुत अंदर से पीड़ित हूं, इसलिए मेरी आवाज उग्र तरीके से निकल रही है, लेकिन हम दुखी हैं, क्योंकि जो भी हमारे साथ धोखाबाजी कर रहे हैं, जो ये चीटिंग, ये राजनीति हमारी जॉब के ऊपर, हमारे रोजगार, हमारे बच्चों के ऊपर जो ये कर रहे हैं, उनके मैं कान खोल देना चाहता हूं। वो हमारे इतने साहसी बहने हैं, हमारी नारी शक्ति, हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया गया, लेकिन वो अपने आप उठकर वहाँ धरना प्रदर्शन पर आई है जी, कि हम अगर मरेंगे जिएंगे तो वहाँ पर धरना प्रदर्शन पर मरेंगे। एक भी हमारा साथी उनमें से इतने ज़्यादा घायल हुए थे, एक भी वहाँ पर एडमिट नहीं है। और मैं अगली बात मैं आपको बता दूँ, हमारे साथ 1, 2, 3, 4 बच्चे हमारे घर के नहीं हैं। मैं आपको ये एक चीज़ से अवगत कराना चाहता हूँ, सारा स्कूल, सारे स्कूल के बच्चे, सारे टीचर हमारी तरफ आँख उठाकर देखते हैं, हमें पुकारते हैं, और जिस दिन साहब, जिस दिन हमने एक आह्वान अगर कर दिया तो सारा स्कूल, सारे बच्चे और हम सब उनके साथ सड़कों पर होंगे, चाहे हम मरे चाहे हम जिए, कोरोना हमें बाद में मारेगा, पहले हमें बेरोजगारी मार डालेगी। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर विनती है मीडिया के माध्यम से, कि आप प्लीज़ हमारा जो रोजगार है वो सुरक्षित करें, अन्यथा हम कुछ भी करने पर गुजर जाएंगे। फिर उसके लिए सरकार और ये जो धोखाधड़ी लोग कर रहे हैं, जो चीटिंग हमारे साथ करें, वो लोग जिम्मेदार होंगे जी। सरकार, आपके माध्यम से एक छोटी सी बात और पहुंचा देना चाहता हूं, जो सरकार में नुमाइंदे बैठे हैं, कि एक कवि ने एक छोटी सी कहावत की है, वक्त के साथ चलना कोई जरूरी नहीं होता, वक्त के साथ चलना कोई जरूरी नहीं होता है इंसान, सच के साथ चल, वक्त तो अपने आप खुद आपके साथ चल पड़ेगा। आप सच के साथ चले, हम अपनी सच्चाई को हम लेके आए हैं आपके सामने, और हम पूरी उम्मीद करते हैं मीडिया से भी, पत्रकार बंधुओं से, आपकी बदौलत ही हमें अपना रोजगार मिलेगा, और हम उम्मीद करते हैं सरकार से भी वो हमारी इस पीड़ा को समझेगी और हमारा रोजगार सुरक्षित करेगी। धन्यवाद। राजनीति कौन कर रहा है सर? सर बहुत सी ऐसी चीज़ें आती हैं राजनीति की भी, कि भी देखो कई बार ये निकला है कि कल ही शिक्षा मंत्री के द्वारा ये बात की है, अरे भाई हमने तो नहीं लगाए ना आपको, पिछली सरकार ने लगाए हैं। अरे पिछली सरकार है क्या? सरकार तो सरकार है, चाहे मौजूदा सरकार है चाहे पिछली सरकार है, सरकार तो सरकार है। कर्मचारी सरकार के होते हैं, वो किसी पार्टी से नॉट रिलेटेड, वो किसी पार्टी से संबंध नहीं रखते। इसका मतलब ये हो गया कि जो बीजेपी वाले लगाएंगे उनको अगले हटा दो, अगले जो लगाएंगे उनको अगले हटा दो। ये राजनीति तो क्या नहीं है? बताओ आप, महज ये बात बोल देना कि आप वो लगाए हुए हैं। अरे श्रीमान, हमारा रोजगार गया है, हम आपके सामने गुहार लगा रहे हैं और आप हंस रहे हो। शिक्षा मंत्री का कहना है कि हमने नहीं हटाया, हाई कोर्ट का। अरे सुप्रीम कोर्ट कैसे, कितने डिसीजन है जो आज तक माननीय शिक्षा मंत्री जी आपने इम्प्लीमेंट किए हैं? समान काम समान वेतन 2016 से पेंडिंग है, दे दिया आपने समान काम समान वेतन।
हमारे रोजगार छीने, वो वर्डिंग को बदल के कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर की कॉपी राजेश जी ने दिखा चुके हैं, बता चुके हैं, उसमें एक भी जगह पर नहीं लिखा कि इनको रिलीव करना है और भर्ती प्रक्रिया करनी है, वो भी